भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने सिर्फ सरकार बनाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने विचारों को बदलने का काम किया और इसीलिए उन्होंने जो मन की बात कार्यक्रम शुरू किया वो भारत के मन से जुड़ने और भारत के मन और दिल में आत्मविश्वास पैदा करने का एक प्रयास था। इन 10 वर्षों में मन की बात ने सभी भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय भारत की सरकार का नेतृत्व संभाला था तो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, उन्होंने विचार बदलने के लिए, सोच बदलने का कार्य किया और इसीलिए जो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया था वो भारत के मन से जोड़ने, भारत के आहत और गुलामी की मानसिकता से प्रभावित और पराजित मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास था। तो आज जो ये मोदी लॉग बुक यहां लिखी गई है अश्विनी फर्नांडिस जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो सारे मन की बात कार्यक्रमों को जिस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में 4000 लोगों से फीडबैक लेकर उसे ये स्वरूप दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दर्शा रहा है कि इन 10 वर्षों में मन की बात ने अपना प्रभाव भारत के समस्त क्षेत्रों में, भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक व्यापक प्रभाव स्थापित किया है और ये मोदी जी के मन की उस भाव को भी दर्शाता है कि जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, जिसे मैं इस पंक्ति में कहना चाहूंगा जो मैंने अभी बोला भी था मोदी जी की तरफ से, कि उनका मन इस भाव का प्रतीक है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी।